ये जाने और पुलिस। वाह, क्या जबरदस्त पॉलिसी मेकिंग चल रही है ये। बाबा जी, ज्यादा जज्बाती ना हो, हम आपके ही मसाइल हल कर रहे थे यहाँ पर। हमारे मसाइल पे बात होती है पर हम नहीं होते इन मीटिंग्स में, आखिर क्यों? और देखें जी, हम आप लोगों के लिए मजीद स्पेशल स्कूल्स खोल रहे हैं। मगर मुझे तो क्रिकेट खेलना है, क्या मैं उस स्कूल में क्रिकेट खेल सकूंगा? यार क्या मुसीबत है, ये साफी जाहिल अवाम को लेकर हमारे ऑफिस में गुस्सा है। ये मोबाइल और कैमरा उठाते हैं और डराते कहीं भी घुस जाते हैं। इस बारे में उनको पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। अरे बात तो सुने आप, जिस पॉलिसी पर बात कर रहे थे उस पॉलिसी का क्या बना? अरे मजदूर अफराद पर बात कर रहे थे ना। अरे भाग गए साले, ये बनाएंगे हमारे लिए पॉलिसियां, ये हो रहा है इस मुल्क में हमारे साथ। कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में, मैं कहती हूँ तुम सबको, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हम शोर करेंगे, हम तूफान खड़ा कर देंगे, हुकूमत को हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं तो बहुत शोर मचाऊंगा, रोला डाल दूंगा, मुझे क्रिकेट खेलना है और जरूर खेलूंगा मैं क्रिकेट, जरूर खेलूंगा। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट हाउस यहाँ से करीब है, वहां जाकर एहतजाज करते हैं। ये ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में, मैं कहती हूँ कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा, अगर बात नहीं करेंगे तो पक्का कुछ नहीं होगा, अगर बात करें तो शायद कुछ हो जाए। हाँ। इसलिए मैं बात करने के हक में हूं। चलो आइए। आइए आइए, यहां पर। बिल्कुल, अब हम फेसबुक से लाइव जाते हैं। बाबा जी इधर। हाँ। खवातीन हजरात, हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं, यहाँ मजदूर अफराद के हवाले से एक धरना दिया जा रहा है। अगर आपको भी ये माशरा लूला लंगड़ा और अंधा बहरा समझता है तो आए हमारा साथ दें और माशरे को बताएं कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम इस माशरे पर बोझ नहीं हैं। बिल्कुल, हमें स्कूलों, खेलों और समाजी मेल मुलाकात से बाहर ना रखें, हमें डब्बों में बंद ना करें। मैंने कितनी मुश्किल से पढ़ा था, स्कूल में दाखिला कोई नहीं देता था, और फिर ये इम्तिहान में पर्चे पे लिखना ही क्यों जरूरी है? अगर मैं लिख नहीं सकती तो क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं? और अब तो जदीद टेक्नोलॉजी ने काम और भी आसान कर दिया है, मैं बोलती हूँ मेरा मोबाइल फोन लिख देता है, अब कैसे रोकोगे मुझे? बल्कि सवाल ये है, रोकना चाहते क्यों हो, मेरा साथ क्यों नहीं देते? बिल्कुल, और सुनो बेटा, देखो ये हर जगह पे दाखले के लिए हर जगह सीढ़ियां बनाई हुई है पर रैंप नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, टैक्स तो मैं भी देता हूँ, यहाँ तक कि इस व्हील चेयर पे भी मैं टैक्स देता हूँ। ना मैं किसी इमारत में दाखिल हो सकता हूँ, ना किसी सरकारी दफ्तर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी दुकान पे। अरे भाई, मुझसे टैक्स लेते हुए शर्म क्यों नहीं आती है रियासत को? ये दोस्तों, ये कुछ और लोग हमारे धरने में शामिल हो गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी ये मेरी बहन कुछ बोल नहीं सकती, इनके लिए रियासत के पास क्या है? एक अलग स्कूल और बस, रियासत कब तक इनकी तरफ से आंखें बंद किए रखेगी? दोस्तों मुबारक हो, सोशल मीडिया पर तो महाज गर्म हो चुका है, हमारी वीडियोस लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और उन वीडियोस में वजीरों को और एंकरों को टैग कर रहे हैं, जल्द ही हमारी बात जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। अरे लेकिन अभी ये देखना है कि ये इन बड़े बड़े लोगों पर कोई असर होता भी है कि नहीं। अरे कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे ही दो चार बयान दाग देंगे और फिर वही लंबी खामोशी। नहीं, लेकिन मैं तो खामोश नहीं बैठूंगा, मैं तो शोर मचाऊंगा, मुझे क्रिकेट खेलना है और जरूर खेलना है। मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं छक्के तो मार सकता हूँ। बिल्कुल, तो चलें कुछ नारे बनाते हैं और फिर कुछ नारे लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये सुनो, देखो बोझ नहीं है, बोझ नहीं है, हमको बोझ बनाओ मत, बोझ नहीं है, बोझ नहीं है, हमको बोझ बनाओ मत। शर्मिंदा क्यों होते हो, हमको कहीं छुपाओ मत, शर्मिंदा क्यों होते हो, हमको कहीं छुपाओ मत। राह न रोको, तरस न खाओ, हमको आगे बढ़ने दो, राह न रोको, तरस न खाओ, हमको आगे बढ़ने दो, साथ हमारा ऐसे दो के आसमान पे उड़ने दो, साथ हमारा ऐसे दो के आसमान पे उड़ने दो। अरे बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या वाकई? नहीं, अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
अरे बच्चों मेरी बात सुनो जी। हमारी मस्जिद के जो कमेटी है ना उसके सदर का फोन था, वो कह रहे हैं कि मस्जिद में रैंप बनाने का फैसला कर लिया गया है।